हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दास ग्रुप बी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एवरेज से है, जो आप बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज का चैप्टर है एवरेज। एवरेज है क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। एवरेज है क्या, एवरेज कहते किसे हैं? तो किसी भी संख्या के बीचों बीच की संख्या को एवरेज कहते हैं, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। ठीक है, उसके जो बीचों बीच की संख्या होती है वो एवरेज होती है। सपोज मान लेते हैं एक पेन। ठीक है, अगर पूछ दे पेन का एवरेज क्या है, ठीक है, तो पेन का बीचों बीच का भाग, ये पेन का बीचों बीच का भाग इस पेन का एवरेज है। वैसे ही कोई भी संख्या हो, उस संख्या का बीचों बीच का भाग को हम एवरेज कहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के बीचों बीच की संख्या को औसत कहते हैं। जैसे एक संख्या हम लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हम बोल क्या रहे हैं, किसी भी संख्या के बीचों बीच की संख्या। इसको बीचों बीच की संख्या क्या है, इसको बीचों बीच संख्या 3 इधर से और 3 इधर से, बचा गया बीच में 4, तो इसका औसत 4 है। दोस्तों यही क्वेश्चन का दूसरा ट्रिक है, अगर संख्या लगातार दिया हो, जैसे लगातार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर संख्या इस तरह से लगातार दिया हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट क्या है 1 एंड लास्ट 7, ठीक है, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जैसे 7 और 1 कितना हो गया, 8/2 काटें कितना आएगा, 4। हम पहले भी आपको बोले थे किसी भी संख्या के बीचों बीच की संख्या 4 है, तो आप चाहे इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, एक आंसर एक ही होगा। चलिए दोस्तों हम दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है? तो 3 के प्रथम 9 गुणजों, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 9 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम आपको बोले क्या है, किसी भी संख्या के बीचों बीच की संख्या का औसत। जैसे 1, 2, 3, 4, 4 इधर से, 1, 2, 3, 4, 4 इधर से, बीचों बीच संख्या क्या है 15, तो इसका औसत 15 हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन को सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इसमें से 2 संख्या 7 व 28 है तो तीसरी संख्या क्या है? आपको पता होगा कि अगर टोटल नंबर निकालने के लिए दिया गया संख्या इनटू औसत गुणा करेंगे टोटल संख्या निकल जाएगा। जैसे संख्या कितना दिया है, 3, a+a b और c, ये 3 संख्या, औसत दिया कितना 15, टोटल संख्या 45। अब a+b+c ये तीनों है 45। अब आगे दिया है, इसमें से 2 संख्या 7 और 28 है, a और b जो है
सात है और 28 है, अगर दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 35। 35 है। अब तीन संख्या 45 है और ये और बी 35 है, अगर टोटल संख्या में ए और बी माइनस कर देंगे तो सी निकल नहीं जाएगा? तो चलिए करते हैं, सी निकालने के लिए टोटल संख्या 45 माइनस 35 बराबर 15, तो 15 है तीसरी संख्या। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 135 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? पहले टोटल नंबर निकालेंगे, टोटल नंबर है क्या? टोटल नंबर निकालने क्या करना पड़ता है? संख्या और औसत से गुणा करना पड़ता है। संख्या है क्या? संख्या 3 है और औसत है 135, तो टोटल संख्या निकल जाएगा 405। अब ये निकल गए ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों संख्या 405 है। अब बोल रहा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, मान लेते हैं ये कितना है 180, अब इसमें हम माइनस कर देंगे 180, 5 2 और 2, ये क्या बच गया? बी प्लस सी बराबर 225। अब बोल रहा है कि इसमें हाँ अंतर अंतर 25 का है, इसे 25 भी माइनस कर देंगे, कितना 25 बचा, कितना 200। ठीक है, अब 200 कौन कौन संख्या, बी प्लस सी 200 भागा दे देंगे, कितना है 100। ठीक है, मतलब 100 100। ठीक है, अब ये है 180, बी है 100 और सी है 100। अब अंतर जो किए थे 25 का, एक में जोड़ देते हैं संख्या को, 25 बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 125। अब क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कितना है 100, तो इसका सबसे छोटी संख्या 100 है, आंसर 100। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एवरेज का और क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, अगर एवरेज में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू।